वेल तो ही गाइस वेलकम टू दी माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो साशा बैंक्स, मतलब यहाँ पे तो देखने को मिलने वाली है नहीं। सो वेल देखते हैं, क्या पता साशा बैंक्स हमें देखने को मिले। लेकिन पहली बात मैंने साशा बैंक्स की है तो मे बी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो वेल जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि बेकी लिंच एंड बियांका बेलेयर का जो कि हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, एंड ऑब्वियसली ईएसटी ऑफ WWE बहुत ही अच्छा खासा थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। सो वेल वैसे मुझे तो लगता है कि भाई ये मैच बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यही चाहता कि भाई समर स्लैम जैसा जो स्क्वॉश मैच हमें देखने को मिला था वैसा नहीं देखने को मिले। देखते हैं वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तो फिलहाल तो अभी तो इन दोनों का हमें एंट्रेंस तो देखने को मिल ही चुका है। बेकी लिंच वही अपने बैड एस एंट्रेंस में, एंड इसके बाद बियांका बेलेयर चोटी हिलाते हुए आ रही हैं, चोटी वाली लड़की, जो कि ऑब्वियसली अच्छा खासा एंट्रेंस है, क्या ही बोले इस चीज़ को। सो इस मैच में मतलब एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, लूप हॉल्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हमें किसी का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, रैंडमली साशा बैंक्स आ सकती हैं। सो मे बी हो सकता है इसमें जो जीतेगा वो उसको हो सकता है चैलेंज करे आगे आके, एंड मे बी यहाँ पे हमें ये थिंग देखने को मिल सकता है कि बियांका बेलेयर एंड बेकी लिंच दोनों ही एक दूसरे को तोड़ फोड़ दें, एंड फिर बेकी लिंच लास्ट में इस मैच को जीत जाए। एंड वैसे तो चांसेस तो सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि बेकी लिंच ही यहाँ पे जीतेंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि भाई बियांका बेलेयर को वापस से चैंपियनशिप उनके पास आएगी, क्योंकि बेकी लिंच एक बड़ी सुपरस्टार है, टफ सुपरस्टार है, तो उनके पास स्टोरी लाइन कैरी करने के लिए अच्छी खासी स्टोरी लाइन मिल सकती है। सो उनके पास ही मुझे लगता है कि चैंपियनशिप रहने वाली है। वेल वैसे आप लोग क्या कहना वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर समय की मार है, मेहनत की हार है, खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।